नमस्ते दोस्तों, मैं राजा कुमार झा आप सबके समक्ष एक बार फिर अपने वीडियो के साथ। इस बार का जो टॉपिक है ना, गुजरात इलेक्शन है। क्योंकि मेरा जो यूट्यूब पे एक साइट है ना, वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग बोले हैं कि भाई तुम कुछ गुजरात इलेक्शन के बारे में हम लोग के बीच लाओ। तो मैंने भी कोई ऐसे तो होता नहीं है कि आप डायरेक्टली बोल दिया आप लेके आ जाओ, उसके पीछे मैंने बहुत सारे न्यूज़ से बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, मैगजीन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर आप लोग के समक्ष अपने वीडियो के साथ। तो मेरे पास जो रिव्यू मिले हैं वहाँ पे देखा मैंने कि बीजेपी आई थिंक 55% सरकार बनने की चांस उसकी ज़्यादा है, और कांग्रेस भी उससे ज़्यादा पीछे नहीं है, 45% के आसपास कांग्रेस भी सरकार बना रही है। तो मैं आप लोग को पहले ये बता दूँ कि न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं कि किसकी सरकार बनाने की चांस सबसे ज़्यादा है। मैं आप लोग को एक बार और बताना चाहता हूँ कि जब मैं चाणक्य का नाम लूँ ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जब बिहार में गठबंधन सरकार जीती हुई थी, इस पिछले इलेक्शन की मैं बात बता रहा हूँ, तो चाणक्य एक ऐसा न्यूज़ था, चाणक्य एक ऐसा मतलब मैगजीन पे देता है वो अपना इन्फॉर्मेशन, ऐसा था कि वो बोला था कि कांग्रेस गठबंधन सरकार मीन्स राजद जदयू और कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि न्यूज़ 18 वाले, आज तक वाले, एबीपी न्यूज़ वाले बोले थे कि बीजेपी की सरकार आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ऐसा इस बार नहीं होगा कि चाणक्य जो बोलेगा वही होगा, बट आई थिंक उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सरकार बनाने की चांस किसकी ज़्यादा है एज अ न्यूज़ व्यूअर, न्यूज़ वाले क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एबीपी के, मैं अपने पास एक लिस्ट रखा हूं, उससे मैं बताता हूं कि किसकी चांस कितनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने एबीपी न्यूज़ जो अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसमें वो बताया है कि बीजेपी 107 सीट लाएगी, जबकि कांग्रेस 71 और अदर 4। अब देखो यहाँ से तो श्योर है यार कि बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि आपको पता है 182 सीट में से बीजेपी 107 लेकर जब ही आएगी तो वो सरकार अपना बना देगी। दूसरी है आज तक वालों ने भी बीजेपी का साथ दिया है, वो साथ क्या दिया है, उनको जो सर्वे में मिलता है वही वो देते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से वो कुछ भी दे देंगे। तो उनको जो मिला है उस सर्वे उसमें मैंने देखा है कि बीजेपी को 103 और कांग्रेस को 76, अदर को 4। आप देखो एबीपी न्यूज़ और आज तक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एबीपी ने दिखाया है कि बीजेपी 107, आज तक ने दिखाया 103। एबीपी ने दिखाया कांग्रेस को 71, आज तक ने कांग्रेस को दिखाया 76। और न्यूज़ 18 का जो न्यूज़ मुझे मिला है, कलेक्ट किए हम, उसमें दिखा गया बहुत ही टफ यार। देखो तो बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे गिरती हुई नजर आ रही थी। एबीपी का जो लेटेस्ट तो मुझे मिला नहीं है, एबीपी का मुझे मिला था नवंबर के आसपास का, तो वहाँ 107 दिखाया था। न्यूज 18 वाले जो हैं वो दिखाए हैं बीजेपी 95, कांग्रेस 85, अदर 2। जी बिल्कुल टू दिखाएं। और सबसे बड़ी चीज़ हम पहले भी बोल चुके हैं, चाणक्य ये बहुत बड़ी उलटफेर वाली न्यूज़ दे दी है, जो कि आई थिंक मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं बिलीव हो रहा है ये मुझे नहीं पता, आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा क्या न्यूज़ चाणक्य दे दिया है कि बिलीव करने वाली नहीं है। वो तो 18 को पता चली जाएगा कि चाणक्य सही थे कि गलत थे। चाणक्य ने बताया है कांग्रेस 106, शौक वाली बात बताए हूँ, कांग्रेस 106, बीजेपी 71, अदर 5। यार आप भी सोच रहे हो कि हाउ इज इट पॉसिबल कि कांग्रेस 106 सीट ला लेगी, लेकिन उसके नीचे में उन्होंने बताया है कि कांग्रेस को ओबीसी और पटेल का काफ़ी सारे वोट मिले हैं, और उनको मध्य गुजरात में बढ़त बनती हुई दिख रही है, और पूर्वी गुजरात में तो आई थिंक बीजेपी आ रही है, दक्षिण गुजरात जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता था वहाँ से भी बीजेपी चाणक्य के बेसिस पे फिसल रही है। और सौराष्ट्र की जहाँ तक बात है, सौराष्ट्र में 50-50 का चांस चल रहा है, बट आई थिंक जहाँ और दूसरे जगह से जो मुझे न्यूज़ कलेक्ट हुए हैं वहाँ पे सौराष्ट्र से बीजेपी आगे हुए दिख रहे हैं। और मैंने गुजरात से व्यूअर से, जो गुजरात का एक अपनी साइट है वहाँ पे जो व्यूअर ने अपना पेशकश दिया है उसमें बताया है, वहाँ पे जो व्यूअर्स ने अपना रिव्यू दिया है उसमें बताया है दोस्तों कि बीजेपी 91, कांग्रेस 88, बहुत क्लोज। कांग्रेस बीजेपी का जो ये जंग है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और अदर को 3। सोचो कि इसमें चाणक्य को छोड़ के दूसरे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने बताया है बीजेपी आगे चल रहा है। अब रिजल्ट क्या आएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गुजरात के
आदमियों से अपील करूंगा कि आप उन्हें वोट दें जो देश के लिए काम करें, अपने लिए जो काम करें उसको वोट नहीं देना है। और चाहे वो मोदी हो, राहुल जी हो या कोई और हो, उसे ही वोट देना है जो देश के लिए काम करना है। और ये चीज़ बताने वाली चीज़ नहीं है कि कौन देश के लिए काम करेगा या कौन काम नहीं करेगा। हम लोग करते क्या है, अपनी गलती क्या है कि हम लोग कुछ पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं बस। और नेता लोग भी क्या करते हैं, आते हैं मुझे भड़काते हैं, हम हिंदू हम मुसलमान। यार हिंदू मुसलमान मतलब क्या है, जब हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं तो फिर हम लोग क्यों ध्यान देते हैं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, हम सब एक हैं, हम सबको एक रहना होगा। और अगर आपको मुसलमान पसंद नहीं है तो भेज दो पाकिस्तान, जब वो इंडिया में है तो जैसे हिंदू को राइट मिला है वैसे भी मुसलमान को भी राइट होना चाहिए। क्या सब मुसलमान आतंकवाद हैं? आप 100 में से 5 मुसलमान अगर आतंकवाद हैं तो आप क्या बोल देते हो कि यार मुसलमान सारे आतंकवाद होते हैं? बिल्कुल गलत बात है। कभी वो ने नहीं बोला कि 5 हिंदू के देख अगर आपका ऐसे, आई थिंक तो हिंदू कभी आतंकवाद में पकड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो सपोज क्यों पकड़ा गए तो क्या वो ऐसा बोल सकते कि सारा हिंदू आतंकवाद है? बिल्कुल नहीं। आई एम मैं राजा कुमार झा हिंदू सपोर्टर हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ है कि मुझे बुरा लगता है कि मेरे देशवासियों ये टॉपिक पे बस डिस्कस करते हैं धर्म पे। व्हाट इज इट मीन्स यार, हम सब एक दूसरे का भाई हैं। हम मुझे क्या करना है, हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन या पॉलिटिक्स कभी नहीं करना है। जो नेता धर्म पे पॉलिटिक्स कर ले कभी मत दो उसे वोट, जो पैसे दे के वोट खरीदना चाहे कभी मत दो उसे वोट। जो तुम्हें लगे रियलिटी में मेरे देश के लिए एक अच्छा काम कर सकता है प्लीज़ उसे ही वोट दें, उसे जिताएं। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बिहार की जहाँ तक बात होगी, क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ तो मैं बिहार के बारे में ज़रूर बोलूँगा। मेरे फेवरेट नेता नीतीश जी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लालू को लाइक नहीं करता हूँ, लालू जी को भी मैं बहुत लाइक करता हूँ, बट नीतीश जी का जो सबसे बड़ा काम था वो दारू बंद करवाए, सबसे बड़ी चीज़ थी। क्योंकि उससे क्या हुआ है कि क्राइम की संख्या डे बाय डे, क्राइम की जो ग्राफ है उसका भी मेरे पास ग्राफ है, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोग को ग्राफ भी दिखाऊं। बट मैं अपने दर्शक के लिए कभी टाइम निकालूंगा ज़रूर और वो ग्राफ दिखाऊंगा कि डे बाय डे क्राइम अपने बिहार में कितनी कम रही है। और गुजरात की जहाँ तक बात है, एक बात मैं और बताऊँगा कि इस पर बहुत लड़फिर हो सकती है। कांग्रेस कमज़ोर दिख रही थी, कांग्रेस में प्लस पॉइंट क्या है कि उसके कोई भी लीडर जो है ना नेशनल लेवल के लीडर नहीं दिखते। राहुल गांधी मैं तो उनका कभी सरकार देखा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक उनका कभी सरकार पर्सनली राहुल जी जब मतलब कोई लीडरशिप में आए हों और वो लीड किए हों, अमेठी से भले ही वो लीड किए और अमेठी की जनता जो है ना राहुल जी से काफ़ी खुश है, तो आप एक जगह को लेके एक कंट्री को डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो देखो क्या राहुल जी कभी कोई सत्ता में आते हैं और वहाँ से वो फिर क्या करते हैं, क्योंकि अब राहुल जी अध्यक्ष हो गए हैं कांग्रेस का, तो आगे क्या करते हैं। बट मोदी तो यार नाम, सच्ची बात है ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ दुनिया बोल रही है, नाम ही काफ़ी है। तो नाम काफ़ी है या काम काफ़ी है ये आप डिसाइड कर लो यार। मैं बट यार फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई ये मत बोल देना कि राजा तू किसका सपोर्टर है। मैं सपोर्टर हूँ नीतीश कुमार का, जो अपने बिहार को एक ऐसी जगह पे देखना चाहता है जहाँ पे कोई दूसरा स्टेट वाला मुझे देख के ये ना बोले कि यार देखिए बिहारी है, ऐसा कभी ना बोले। हाँ गर्व से बोल सकता है वो, और दूसरे स्टेट वालों की औकात क्या है अपना लोग देख लें कि आज के टाइम में जितने भी IAS ऑफिसर हैं, जितने भी IITian हैं, उसका 60-65% अपना बिहारी कैप्चर कर लिया है। तो यार बहुत खुशी की बात है कि अपना बिहारी इतने आगे जा रहा है। और एट लास्ट मेरी सब गुजरात वासियों से, मेरे देश के जितने भी जनता हैं, सबसे एक ही अपील है कि प्लीज़ आप पैसों के बल पे किसी भी पार्टी को वोट ना दें, क्योंकि अपने जितने भी इंडिया के पीपल हैं ना ऑल हैव पावर टू चूज और चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जब अपने को ये पावर दिया है, अपने को ये पावर मिला है, डेमोक्रेटिक कंट्री का एक वसूल है कि यार नाम क्यों पड़ा डेमोक्रेसी, मतलब क्या अपने पास सब पावर हैं जो एक लीडर को अपना लोग लीडर बना भी सकते हैं और एक लीडर को अपना लोग उस जगह से उतार भी सकते हैं। तो अब सोच लो कि आगे से जब भी इलेक्शन आएगी, 2019 की इलेक्शन है,
लोकसभा के इलेक्शन, और अभी तो फिलहाल गुजरात में चल रहे हैं तो एक्साइटेड न्यूज़ है। बट जो मैं भी बोलूँगा कि 55% चांस है बीजेपी और 45% कांग्रेस, बट मैं एट लास्ट यही बोलूँगा उलट फेर हो सकती है। तैयार हो दोस्तों, 18 तारीख को आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं फिर आप लोग को बताऊँगा कि मेरे एक यूट्यूब पे चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अपना व्यू दीजिए, और एज मच एज पॉसिबल मुझे जहाँ से भी मिलेगा मैं न्यूज़ कलेक्ट करूँगा और आप लोग के बीच आऊँगा, और अपना रिव्यू ज़रूर दें कि मतलब आप लोग किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हो। मैं कोई वीडियो अपने मन से नहीं बना लेता हूँ, और मैं वीडियो कलेक्ट करता हूँ, मैं वीडियो न्यूज़ चैनल से हो, मैगजीन से हो, जहाँ से भी मुझे पॉसिबल होता है मैं कलेक्ट करता हूँ और मैं आप लोग के बीच मिलाता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को, मुझे मेरे बिहार को सपोर्ट कीजिए, मेरे नीतीश जी को सपोर्ट कीजिए, और आप लोग अच्छे तंदुरुस्त रहो यार, मस्ती में रहो, और हाँ डेमोक्रेसी का मीनिंग समझो, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है वो समझो। प्रजातंत्र बोलते हैं ना, नाम काफ़ी है प्रजातंत्र। और आप लोग अपना व्यू ज़रूर देना कि ये जो दारू का मतलब बहुत जगह न्यूज़ मिला है कि दारू बंद हुआ है, ये हुआ है, तो दारू बंद जो हुआ है उससे आप लोग को बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या जो पीते नहीं वो बोले यार मुझे लॉस हुआ है बेनिफिट हुआ, ऐसा नहीं। जो पीते भी थे वो भी अपना रिव्यू दे सकते हो, जो नहीं पीते थे वो भी अपना रिव्यू दे सकते हो। मैं क्राइम को लेके बोल रहा हूँ, दूसरा फील्ड को लेके नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार का कहाँ पे लॉस लग रही है, क्योंकि आई थिंक जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन है कि सरकार को इस पे ना बहुत प्रॉफिट थी, इनकम टैक्स टैक्स इस पे बहुत वसूला जाता था, तो इसको लेकर सरकार को प्रॉफिट लॉस है। बट सरकार को क्या है ये अपने को नहीं ध्यान देना है, अपना सोसाइटी क्या है, अपना कंट्री कैसा चल रहा है इसके ऊपर ध्यान देना है। बाय, लव यू, और आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और ट्रक को लेके आएंगे जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कौन जीतता है और किसका न्यूज़ सटीक रहा, क्या चाणक्य एक बार फिर से जो बोले वो सही हुआ, क्या कांग्रेस सरकार में आएगी वहाँ पे, क्या बीजेपी सरकार में आएगी, कौन आती है, इसके लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। 18 को मैं लाइव मैं लाइव वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग को, फेसबुक या फेसबुक पे ही आएंगे, क्योंकि वहाँ मेरे ज़्यादा मतलब दोस्त मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं। बाय, लव यू और मिस यू वंस अगेन। चलो वेट करो 18 तारीख को, बाय।